हाय गाइस, वेलकम बैक टू डिस्टेंस बिटवीन। मैं हूं शुभम। लाइफ में बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है कि एटलीस्ट फॉरेन की ट्रिप एक बार कर ले, या फिर बहुत सारे लोगों का इंडिया में बहुत ड्रीम होता है कि कम से कम फ्लाइट में बैठ लें, बट वो अपना ड्रीम पूरा नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए क्योंकि बजट नहीं होता है या फिर पैसे नहीं होते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप 15,000 रुपीज में थाईलैंड घूम सकते हैं। तो अगर आप कपल हैं या फिर आप बहुत ज्यादा धूमधड़ाका मस्ती करना चाहते हैं तो इतने बजट में तो नहीं हो पाएगा। उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बना रखी है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो आप देख सकते हैं। तो जो इस वीडियो में मैं बताऊंगा वो उनके लिए है जो एक बार कम से कम घूमना चाहते हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूले। आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं 15,000 रुपीज में आप थाईलैंड कैसे घूम सकते हैं। बैंकॉक घूमने में आपके जो खर्चे होंगे वो होंगे फ्लाइट में, होटल में, फूड्स में, ट्रांसपोर्टेशन में और वीजा में। तो ये आपके टोटल खर्चे होंगे और इसमें आपकी कंडीशन ये है कि आपको कम से कम दो लोग होने चाहिए और साथ ही साथ 3 दिन आप बैंकॉक में स्टे करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं फ्लाइट का। तो फ्लाइट आप इंडिया से जो जाएंगे, आप जाएंगे एयर एशिया की फ्लाइट से। एयर एशिया की वेबसाइट या फिर ऐप पे जब आप चेक करेंगे फ्लाइट अगले 1-2 महीने की, तो उसमें आपको रेट कोलकाता, विशाखापट्टनम और भुवनेश्वर से अगर आप देखेंगे तो आपको केवल 7,000 से 9,000 रुपए में टिकट मिल जाएगी आने और जाने दोनों की। तो ये आपका टोटल 9,000 का खर्चा होगा। अब बट इसमें क्या होगा कि आपकी हैंड बैगेज ही इंक्लूड होगा, आपका बैगेज इंक्लूड नहीं होगा। तो हैंड बैगेज काफी है आपके लिए क्योंकि आप केवल 3 दिन के लिए जा रहे हैं और 7 kg हैंड बैगेज आपको मिलता है। आप 3 t-shirt भी डालेंगे और 2 jeans भी डालेंगे और कुछ कपड़े वगैरह हल्के फुल्के डाल लेंगे तो भी आपका 7 kg कम्प्लीट नहीं होगा। तो आप इतने में आपका 9,000 रुपए में टिकट आपका कम्प्लीट हो जाएगा। तो मैंने 9,000 को कंसिडर किया है फ्लाइट के लिए। अगर बात करें होटल की, तो किसी भी होटल बुकिंग वेबसाइट जैसे कि booking.com, hotels.com या फिर agoda.com, जितनी भी वेबसाइट्स हैं उन पे आप देखेंगे बैंकॉक में होटल्स के जो खर्चे हैं 3 दिन का आप देखेंगे मिनिमम करके, तो आपको मिल जाएगा केवल 3,000 रुपए में 3 दिन का। तो पर पर्सन अगर ये खर्चा देखेंगे तो आपका आएगा लगभग 1,500 रुपए आएगा 3 दिन का। तो मैंने जो कंसीडर किया है 3 दिन का होटल का खर्चा 1,500 रुपए किया है। इतने में आपको रूम या फिर हॉस्टल आराम से वहां पे मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पे ब्रेकफास्ट में ब्रेड, बटर और मिल्क भी ले रहे हैं तो आपका जो पर डे का खर्चा आएगा वो 100 रुपए से ज्यादा का नहीं आएगा। तो ब्रेकफास्ट का आपका 100 रुपए हो जाएगा और जो बात की आप 2 meals लेंगे, लंच और डिनर, उसका लगभग 700 रुपए होगा। तो पर डे का लगभग 800 रुपए का खर्चा एक पर्सन पे आएगा। तो टोटल अगर करेंगे 3 दिन का तो लगभग 2,400 रुपीज आपका फूड्स का खर्चा आएगा 3 दिन का। ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप यूज करेंगे स्कूटी। आप स्कूटी यहाँ पे हायर कर सकते हैं केवल 500 रुपए पर डे में, और एक स्कूटी पे 2 लोग बैठेंगे तो पर डे का खर्चा आपका केवल 250 रुपए पर पर्सन का खर्चा आएगा। तो टोटल अगर 3 दिन का आप देखेंगे तो 750 रुपए पर पर्सन पे खर्चा आता है। और दूसरी चीज, आप पेट्रोल इसमें डलवाएंगे तो वहां पे 1 liter पेट्रोल का दाम लगभग 27 baht का है। तो अगर आप रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 55 रुपए पर लीटर का खर्चा आएगा। तो आप अगर 200 रुपए का भी पेट्रोल भरवा लेते हैं तो आप आराम से पूरा बैंकॉक 3 दिन घूम सकते हैं। तो आपका इसका खर्चा अगर देखेंगे तो टोटल आएगा 850 रुपए, क्योंकि पेट्रोल 200 रुपए का डलवाएंगे तो पर पर्सन इसको 100 रुपए कन्वर्ट कर ले तो आपका आएगा टोटल 850 रुपए ट्रांसपोर्टेशन का। तो आप करते हैं टोटल की बात। तो टोटल आपका जो खर्चा होगा आपका फ्लाइट का होगा 9,000 रुपए, होटल का मैंने बताया 1,500 रुपए, और मील्स का आपका 2,400 रुपए, और लास्ट आपका जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो लगभग आपका 850 रुपए। तो टोटल इसका करेंगे 13,750। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया आपको वीजा कंसीडर किया है कि 30 अप्रैल तक आपका फ्री है तो कुछ नहीं लग रहा है, तो 13,750 का आपका टोटल खर्चा है। इसके अलावा जो आप एयरपोर्ट से जाएंगे अपने होटल और लास्ट दिन आप होटल से वापसी एयरपोर्ट करेंगे तो आप मेट्रो से करेंगे या फिर बस से करेंगे तो उसमें आपका कुछ खर्चा होगा। साथ ही साथ आप जो प्लेसेस कुछ विजिट करेंगे जैसे कि वॉट फ्रॉप जा रहे हैं या फिर वॉट साकेत जा रहे हैं या फिर आप जा रहे हैं वॉट अरुण है, ये सारी प्लेसेस जा रहे हैं तो लगभग एंट्री फीस आपका 400 से 500 रुपए का खर्चा आएगा। तो टोटल आपका लगभग 15,000 रुपए आएगा और 15,000 रुपए में आप बैंकॉक 3 दिन घूम लेंगे। इसके अलावा अगर आप अच्छे से बैंकॉक घूमना चाहते हैं थोड़ा, तो 5,000 रुपए और ऐड कर ले, 20,000 रुपए में आप अच्छे से बैंकॉक 3 दिन में घूम लेंगे।
साथ ही साथ अगर आप पटाया भी इंक्लूड करना चाहते हैं तो 5,000 रुपए उसके लिए ऐड कर लें, क्योंकि पटाया में आपका होटल का खर्चा, अगर 2 दिन आप रुकते हैं तो 1,000 रुपए होटल का खर्चा आया। नेक्स्ट आपका खर्चा आया मील्स का, वो लगभग 1,600 रुपए का खर्चा आएगा। और साथ ही साथ बैंकॉक से आप पटाया आएंगे और जाएंगे उसका आपका मिनी वैन से अगर करते हैं तो लगभग 600 रुपए का खर्चा आता है। और जो नेक्स्ट स्कूटी से आप घूमेंगे 2 दिन तो लगभग 500 रुपए का खर्चा आएगा। तो टोटल आप इसका करेंगे तो 3,700 का खर्चा आएगा। बाकी आप वहाँ पे जो घूमेंगे प्लेसेस वो आपका खर्चा है। तो 5,000 रुपए और ऐड कर लेते हैं तो आप पटाया भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो अगर आप बहुत अच्छे से घूमना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको वीडियो को देख लें। उसमें मैंने पूरी डिटेल बैंकॉक, फुकेट, पटाया तीनों की दे रखी है। वो देख के आप अगर अच्छे से घूमना चाहते हैं तो वो वीडियो देख लें। अगर आप केवल फॉरेन घूमने का अपना सपना पूरा करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इतने में 15,000 रुपए में थाईलैंड घूम सकते हैं। कंडीशन इतनी है, 2 लोग रहने चाहिए, 30 अप्रैल के पहले पहले घूम लें तो आपका ये सपना पूरा हो जाएगा। तो गाइस मेरी यही इन्फॉर्मेशन थी आज की। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूले। आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो जरूर पूछें। कोई प्लेस की वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन थी। थैंक यू फ्रेंड्स।